सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की हाल ही में हुई दोस्ती को देखकर शाहरुख और सलमान दोनों के फैंस काफी खुश थे, लेकिन सलमान के पिता सलीम ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर दोनों के फैंस चौंक जाएंगे। जी हाँ, सलीम खान अपने बिंदास तरीके से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सलीम खान ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिसे जानकर बॉलीवुड के कई स्टार्स के साथ साथ उनके बेटे सलमान खान भी दंग रह जाएंगे। सलीम खान ने ऐसी बात कह दी है जिसे सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। सलीम ने दावा किया है कि दो सुपरस्टार कभी दोस्त नहीं हो सकते। दरअसल सलीम खान ने ट्विटर पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स के बीच दोस्ती का रिश्ता महज रस्म भर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सलीम ने लिखा है, दो प्रतिद्वंदियों के बीच प्यार नहीं हो सकता, सिर्फ औपचारिकता होती है। गुजरे जमाने के स्टार्स दिलीप साहब, राज साहब और देव साहब इस बात को जानते थे और एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए 30-40 सालों तक साथ रहे। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, आजकल के स्टार्स एक दूसरे के लिए प्यार जताने की कोशिश करते रहते हैं जो संभव नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे अंधेरे कमरे में एकदम काली बिल्ली को ढूंढने की कोशिश की जाए जो असल में वहाँ है ही नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सलीम खान ने ये बात क्यों और किस संदर्भ में कही, क्योंकि आज के दौर में दो सितारों के झगड़े की बात पर उनके बेटे सलमान खान और किंग खान यानी शाहरुख खान का नाम ही जेहन में आता है। एक दौर था जब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ सलमान और शाहरुख के बीच कड़वाहट भी बदली और अब ये दोस्त के तौर पर देखे जाते हैं।